देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। आज देश की लगभग 130 करोड़ जनता के समक्ष जो दिन प्रतिदिन की दुख तकलीफें तथा गंभीर राजनीतिक आर्थिक व सामाजिक संकट एवं तनाव व चुनौतियां आदि सामने खड़ी हैं और जिसके कारण देश में हर जगह समाज में जो भयंकर गरीबी व बेरोजगारी व्याप्त है, साथ ही मांग के अभाव में उद्योग धंधों के बुरी तरह से प्रभावित होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी मंदी की बीमार हालत में पहुंच गई है, जिससे अब आम जनता का जीवन काफ़ी कष्टदायक एवं पीड़ादायी हो गया है। तो ये सब मौजूदा केंद्र सरकार की ज़्यादातर गलत नीतियों, संकीर्ण सोच एवं कार्यकलापों का ही परिणाम है, नतीजा है। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि देश की जनता ने ऐसे ही खराब हालत इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारों में भी देखे व झेले हैं, और जिससे मुक्ति पाने के लिए फिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, यानी कि देश की जनता ने फिर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, जो कि पूरी तरह से ये हकीकत है। किंतु देश की जनता के लिए ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान में केंद्र की बीजेपी सरकार भी अब कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों के रास्तों पर ही लगातार चलकर इनको काफ़ी त्रस्त व दुखी किए हुए हैं। वैसे भी पूरा देश ये देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ ही अब बीजेपी की मौजूदा केंद्र सरकार भी अपने राजनीतिक व व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सत्ता का काफ़ी दुरुपयोग कर रही है, जिससे अपने देश की संविधानिक व्यवस्था व देश का लोकतंत्र भी भारी तनाव से ग्रस्त होकर प्रतीत होता लग रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अब बीजेपी की केंद्र सरकार ने भी कांग्रेस पार्टी की तरह ही यहाँ जनहित, जनकल्याण व व्यापक देश हित के मुद्दों को ज़्यादातर मामलों में ताक पर ही रख दिया है, जिसका ही परिणाम है कि आज भी पहले की तरह ही देश में हर तरफ गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, हिंसा, तनाव, नफरत व अराजकता का ही माहौल व्याप्त है।